सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम बनाएंगे 9th क्लास में स्केल नंबर 7। स्केल नंबर 7 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी मैंने कागज बांट की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि 6 स्केलों में हमने कागज बांट कर दी है और कागज बांट एक जैसी ही होती है। सबसे पहले जैसे हम लेंथ और ब्रेथ लेते हैं, फिर ब्रेथ और हाइट लेते हैं, तो जो ज़्यादा होगा हमने कागज उधर को रखना है। जैसे इसकी लेंथ है 82 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है 40, तो ये 122 बन रहा था, तो इसकी लेंथ ज़्यादा थी तो हमने पेपर को लेंथ में रखा। फिर लेंथ और ब्रेथ को जोड़कर हमने काट दिया, बची हुई शीट के 3 भाग कर दिए, एक भाग इधर छोड़ दिया, फिर लेंथ, फिर दूसरा भाग, फिर ब्रेथ, फिर तीसरा भाग। इसी तरह से यहाँ से हमने ब्रेथ और हाइट जोड़ करके जितना भी हमारा आया ये हमने काट दिया, बची हुई शीट के हमने आगे 5 भाग कर दिए, 2 भाग ऊपर छोड़ दिए, फिर ये आपकी हाइट है, फिर एक भाग, फिर आपकी ब्रेथ है, फिर 2 भाग ऑटोमेटिकली हमारे पास बच गए। इस तरह से हमने कागज बाट इसकी कर दी। कागज बाट आपको आती भी होगी क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने 6 स्केल हमने कर दिए 9th में, तो कागज बाट तो अब आपको आती ही होगी। तो आज हम स्केल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो ये आपने देखना है हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेंथ में हमें ये हमारा है बुक शेल्फ, ये बुक शेल्फ है, तो इसमें हमारा फुट्टा लगेगा 1.5 सेंटीमीटर का, और ये बुक शेल्फ हम बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम ऊपर 2 सेंटीमीटर की इसमें फट्टी लगा देंगे यहाँ पे, हम 2 सेंटीमीटर काट लेते हैं दोनों साइड से। ये जो पहले हमारी डार्क लाइनें लगनी है आप देख रहे होंगे, आज तक भी आपने मेरी वीडियो देखी है, मैं इसमें इसी तरह से बनाता हूँ ताकि हमें मिटाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, लाइनें ऐसी लगाएं कि कम मिटाने की ज़रूरत हमें पड़े। तो इस तरह से हमने ये आपका 2 सेंटीमीटर आया, और अब हमने नीचे से ऊपर को काटना है हमने 10 सेंटीमीटर, और 10 के बाद हमने लेनी है 2 सेंटीमीटर की लाइन हमारी आएगी, फट्टी आएगी, ये 10 है, 10 के बाद 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। तो ये चीज, ये 2 फटिया हमारी पहले डार्क आनी है इसलिए मैंने पहले यही लगा दिए। ये हमारी आ गई है। इसके बाद इसमें अगर हमने नीचे से ही कार्य कंप्लीट इसका करना है तो नीचे इसमें एक फट्टी है 5 सेंटीमीटर की, वो हम लगा देंगे यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर की फट्टी है यहाँ पे। और इसके लिए पहले हमारे पास पाए जो है वो 5x5 के इसके नीचे से, तो पहले हम पाए लगा देंगे और फिर 5 सेंटीमीटर की हम फट्टी लगाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर की जो पाए है वो नीचे ही है, मतलब इससे नीचे है, ये जो आपका हमने 10 के बाद 2 सेंटीमीटर काट रखा था इससे नीचे है। तो सबसे पहले हम इसमें पाए लगा देंगे 5 सेंटीमीटर के, ये आपके डार्क आएंगे इस तरह से, ऐसे। अब हम ये जो 5 सेंटीमीटर आपका है इसमें हम क्या करेंगे, जो पायों के अंदर है लाइन इसको हम डार्क मिला देंगे इस तरह से, बाहर को हम जो है वो आधे से पीछे जो है वो इससे डॉटेड लगा देंगे इस तरह से। इसको हम माप के बाद में कंप्लीट करेंगे। और ये निचला पोर्शन आपका बन चुका है, ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर की लाइन हमने लगानी है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये देखिए 82 था, तो ये देखो मैं 80 पे यहाँ पे लगा देता हूँ, तो साथ साथ ही हमारा ये नाप का कंप्लीट हो जाएगा, 82 है, ये आपका 80 है। तो इस तरह से अब ये हमारा यहाँ पे भी ये डार्क आना है, अब हमारा ये इस तरह से डार्क आएगा, मतलब ये फट्टी इसमें नहीं जानी थी इसलिए मैंने पहले ऊपर वाली 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगा दी इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसमें एक शेल्फ बनी हुई है 20
सेंटीमीटर के बाद हमने यहाँ से 20 सेंटीमीटर लेना है और 20 के बाद हम लेंगे 2 सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर, इस तरह से। ये लाइन भी आपकी डार्क आनी है। अब क्या है, यहां पे भी इसका पार्टीशन किया हुआ है, दो भागों में बांटा हुआ है और इसकी जो दूरी है वो है 38 सेंटीमीटर है, 38 के बाद 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से 38 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये आपका 40 है, ये आपका 38 है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका 38, 39, 40, तो 38 हम यहाँ से 38 काट लेते हैं, इसके बाद 2 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 38 सेंटीमीटर ले लेंगे, फिर हम लेंगे 2 सेंटीमीटर और हम इसको मिला देते हैं। इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, जो ये हमारा 2 सेंटीमीटर यहां पे हमने लगाया था, इसी को ही हमने नीचे इसमें डॉटेड लाइन इसी से ही इसके समांतर हमने यहां पे डॉटेड लाइन लगानी है पाए में, यहां से इस तरह से। और ये आपकी एलिवेशन जो है वो बनके अब तैयार होगी। एलिवेशन में सिर्फ इतना ही कार्य है, हमने साइड बनानी है, साइड में हमने इसी के प्रोजेक्शन आगे ले लेने हैं। जैसे ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो इसी के सीध में हमने आगे 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है और ये आपकी पूरी लाइन डार्क आनी है। तो ये आप देख सकते हैं यहां से इस तरह से, ये आपकी डार्क आएगी लाइन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पीछे 2 सेंटीमीटर की हमने डॉटेड लाइन लगानी है जो हमें दिख नहीं रही है, तो पीछे से रोक के लिए है, जब हम बुक्स इसमें रखेंगे तो यहाँ पे एक फट्टी होगी लगी हुई 2 सेंटीमीटर की, और ये जो आपकी फट्टी होगी, हाँ ये फट्टी इससे ऊपर होगी, यहाँ पे जो आपका ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर फट्टी है, पाए से नीचेली जो फट्टी है, ये पाए के साथ वाली जो फट्टी है, ये भी फट्टी आपकी जो है वो हमें डार्क दिख रही है साइड में, तो ये है वो हमने ये डार्क लगानी है पूरी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है। और अब हमने यहाँ पे डॉटेड जो है वो 2 सेंटीमीटर की लाइन इसके बीच में यहाँ पे हमने यहाँ पे लगानी है, इस तरह से। और अब हमने इसके प्रोजेक्शन जो है वो ये ले लेने हैं, ये प्रोजेक्शन हमारे डॉटेड आएंगे, इस तरह से। इस तरह से हमारी डॉटेड लाइन आ जाएगी। और अब हमने नीचे इसमें 5-5 सेंटीमीटर के पाए लगाने हैं और पाए भी हमारे डार्क आएंगे, 5 सेंटीमीटर है, ये 40 और ये 35, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, और ये हम इसको डार्क मिला देंगे यहाँ पे, अब हमने इसके बीच में भी यहाँ पे हमने ये 5 सेंटीमीटर की जो ये जो फट्टी आपकी लगी हुई है, ये भी हमने इसी के समानांतर हमने आगे ले लेनी है, ये इसी के सीध में, और ये इन पायों के बीच में ये डार्क आ जाएगी और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की डॉटेड रहेगी इसमें। इसको हम यहाँ से इसी के सीध में हम ऊपर से इसी के सीध में हम यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे,
दो सेंटीमीटर पे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको नाप के जो है वो डॉटेड लगा देंगे। यहाँ हमारे पास ऊपर से कोई प्रोजेक्शन नहीं है, यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर है, आपका 2 सेंटीमीटर है। ये जो आपका आना है सिर्फ ये आपका यहाँ पे इतना ही आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा इस तरह से, और ये जो आपकी साइड है वो भी इस तरह से बन के अब तैयार हो गई है। तो इसमें ज़्यादा कार्य नहीं, बड़े आसान ये स्केल है बनी हुई, आपकी साइड बन गई है, एलिवेशन बन गई है। अब हमने बनानी है इसकी, इसका हमने प्लान बनाना है। तो प्लान बनाने के लिए हमने इसके प्रोजेक्शन लेने हैं, यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन ले लेंगे। ये हमने 2 का प्रोजेक्शन लिया है, ये हमने 5 का प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे लेना है इस तरह से। और अब आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका 5 है, इसका भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन लेना है, ये आपका है। तो हम पहले ये 2 का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इसी के समानांतर हम यहाँ से 5 का प्रोजेक्शन ऐसे ले लेंगे। अब यदि आपके पास फुट्टा बड़ा है और आपका सही आ सकता है तो आपने यहाँ पे नाप लगा देने हैं इसके साथ। यहाँ पे मैं दूसरा सेट का ले लेता हूँ, ये आपका है। तो ये बाद हम इसको बड़े फुट्टे से आगे ले लेंगे यहाँ से, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, हमने क्या करना है इसमें 4x4 के, ये सॉरी 5x5 के पाए हैं, तो हम यहाँ पे ये डॉटेड ही आएंगे 5x5 के। तो ये मैं 5x5 का यहाँ ले रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ तक है, तो मैं यहाँ पे इसको डॉटेड ले लूँगा यहाँ 5 तक, कोशिश में करूँगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से। अब हम इसको यहाँ मैंने ये निशान ले रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फुट्टा लगा दूंगा, इसी के सीध में मैं आगे यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। तो ये देखिए आप, ये देखिए ये 5x5 का आपका इस तरह से जो पाया है ऊपर से 5x5 का, ये आपका इस तरह से 5x5 का पाया बन गया है इस तरह से। जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन है ये हम मिटा देंगे, और अब हमने इसमें जो ये 2-2 सेंटीमीटर की लाइन है, ये आपकी 2 सेंटीमीटर की लाइन है, देखिए ये पाई के बीच में है, तो हमने इसको पाई के बीच में ही बनानी है, और ये डॉटेड ही बनेगी, ये डार्क नहीं आएगी। इस तरह से भाई आगे भी आएगी, जबकि यहाँ से तो खुला है, यहाँ तो किताबें रखनी होती है आपने, पर ये जो आपकी फट्टी है ये नीचे है, ये 5x2 सेंटीमीटर की है। तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो हमारा इसमें प्लान में बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ हम ये और ये 2 पॉइंट हम ले लेंगे, इसी के सीध में हम जो है वो फुट्टा आगे लगाएंगे, और फिर हम इस तरह से 2 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो लगाएंगे। इस तरह से हम इधर को भी, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो इसी के ही समानांतर इसी के सीध में हम यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे, और पाए के बीच में हम यहाँ पे इस तरह से 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। इस तरह से ये अब ये जो आपकी लाइन आ रही है ये भी हमने यहाँ पे डॉटेड लेनी है,
तरह से, और ये आपकी 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी इस तरह से आपकी डॉटेड आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये आपका एलिवेशन, ये आपका एलिवेशन साइड प्लानर प्रोजेक्शन, ये आपका सारा बन के तैयार हो गया। इसमें हमने बनाना है स्केल कार्ड, ये आपने खुद बनाना है। इसमें जो हमने यूज किया वो है 1.5 सेंटीमीटर का हमने फुट्टा यूज किया है। यहाँ आपने फुट्टा जरूर बनाना है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो ये जो आपका अभी कार्य हुआ है ये हमारा हुआ है 22 नंबर का, 2 नंबर का आपका फुट्टा है वो आपने खुद बनाना है, और इस तरह आपकी जो स्केल नंबर 7 है वो सॉल्व करके तैयार होगा।